मेरा नाम गणेश राम है। अच्छा, क्या लगता है आपको बसना विधानसभा का माहौल क्या बता रहा है आपको? बसना विधानसभा का माहौल तो बढ़िया बता रहा है। हाँ। लेकिन टिकट का ऊपर निर्भर है। अच्छा जी, टिकट के ऊपर कैसे निर्भर है? टिकट आप गलत आदमी देंगे तो हारेगा। अच्छा, सही आदमी को देंगे तो जीतेगा। अच्छा, कौन से पार्टी की बात कर रहे हैं? अरे पार्टी तो मैं बीजेपी का हूँ। अच्छा जी, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, बीजेपी का ही। मैं तो छोटापन से काम कर रहा हूँ अभी का नहीं। अच्छा, जनसंघ था जी। उस समय से जो, हाँ उस समय से बीजेपी बोलने से कोई आदमी अंदर घुसो कांग्रेस के ही चलता था जी। अब यहाँ वर्चस्व नहीं था बीजेपी का, तब से आप यहाँ? हाँ, वो एक पंजाबी था, वो चुनाव लड़ा, हार गया, वो बसना छोड़ के भी भग गया। अच्छा, जनसंघ जमाना, जनसंघ जमाना जमाना में केवल प्रताप सिंह ठाकुर था। हाँ। और यहाँ मेरा छोटा भाई और मैं ही बस्ती में निकलता था। अच्छा। तो क्या लगता है कौन अच्छे उम्मीदवार हैं बीजेपी से? बीजेपी से देखो, उम्मीदवार तो पुरंदर भी है और भी हैं। वर्तमान अगर संपत को नहीं देंगे, जीरो। अच्छा जी, हाँ संपत हर गांव में समिति आदमी बना के 90% बना के रखा है। लेकिन पार्टी के ही लोग उनका बहुत विरोध कर रहा है। करने दो, पार्टी का आदमी विरोध करने दो, रूप मारी जाए, उकर दही जाए, उकर बुआ जाए, कोई जाए। लेकिन संपत को अगर टिकट नहीं मिलेगा, हार निश्चित है। ऐसे तो पुरंदर मिश्रा भी, वो आप 20 साल से ज़्यादा काम, जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ जी। और 15 साल रमन सिंह का, और ये 5 20 साल से काम कर रहा है जी। अच्छा उम्मीदवार है जी। लेकिन उससे बढ़ के अभी संपत है। अच्छा। क्योंकि आदमी बना चुका है, पुरंदर भी बनाया है, एक बार वो लड़खड़ाएगा लेकिन संपत नहीं लड़खड़ाएगा। मेरा मत है, मेरा मत के अनुसार बोल रहा हूँ। तो क्या लगता है इतना साल हो गया पुरंदर मिश्रा जी को, 20 साल आप बता रहे हैं, 20 साल में उनको एक बार भी नहीं मिला तो उसको हम क्या करेंगे भाई, अगला जाने। तो पार्टी अपना ऐसे कार्यकर्ताओं को ख्याल नहीं रखती है जो 20 साल 25 साल से जुड़े हुए हैं? भाई ठीक है, अगला वाला नहीं देगा जी, तो हम तो देहात में रहते हैं, हम क्या करेंगे जी। लेकिन अब पार्टी में किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिलता है, हाँ, तो पार्टी के लोग उसमें नाराजगी नहीं जताते हैं कि किनको मिलना चाहिए, क्या स्थानीय? अरे भाई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभी तो चुप है, हर जगह का घोषित हो चुका जी, हमारा बसना का बाकी है। 21 जगह का हुआ है अभी। हाँ हाँ, मैं भी पराय पराय थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, तो अभी वो गायब है, पहले से पता लगता तो उसको विरोध करते जी। अब कल दे देंगे, परसों से चालू। अच्छा जी, तो कौन विरोध करेगा जी? क्या लगता है मतलब अगर संपत अग्रवाल को टिकट नहीं मिला इस बार, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है, हाँ, तो हार निश्चित है। किनकी हार निश्चित है? बीजेपी का। तो क्या संपत अग्रवाल अपने जीत दिला सकते हैं? वो बिल्कुल जीत दिलाएगा, जीतेंगे वो, जीते हमारा फिर बसना विधानसभा के बाद, वो जीतेगा माने जीतेगा, मैं बोल रहा हूँ जी जी। हाँ, क्योंकि राजा साहब 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी थे, उनको हराना एक संपत के लिए इतनी चुटकी का बात है। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ। तो अभी वर्तमान विधायक के कार्यकाल में क्या रहा? अभी अभी वर्तमान विधायक में देखो, दुनिया में जो प्रचार हो रहा है जी, चलो सामने में मैं दिखाता हूँ, नरवा गरवा घुरवा गोबर ला, जैसे कि कोचई कीड़ा पैदा करके ओला निकाले जाते, तो हमर गांव के बात बता दो, इसलिए कईनों जगह में भी आप मतलब देखे पर मिल जाए, गोबर लपका दिने ओला गेड़ा में पीट दो, चाल दो, पॉकेट में भर दो, ओला किसान ला फेर दो। अच्छा, हाँ अच्छा, जो वर्मी कंपोस्ट बना दे, कहाँ के वर्मी कंपोस्ट? सही पद्धति नहीं बनता है भी, चलो मैं सामने में दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ क्या भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें? अब क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार करने वाले जाने जी, गोबर खरीदी मतलब होता है? अरे गोबर खरीदी होता है तो गोबर मेरे को देने का भाई, 2-3 रुपया में, मैं किसान आदमी हूँ, मेरा खेत में डालूंगा, वो तो गलत तरीका से वो हो रहा है, वो कम से कम गोबर खरीदी हो तो रहा है। अरे गोबर खरीद तो हो ही रहा है सर, कांग्रेस की सरकार इस बारे में कुछ सोचा तो? कम से कम सोचा,
बघेल का सोच गलत नहीं है। कौन गलत है? गलत है जो करवाने वाला का। अच्छा, यहाँ के जो माने मेरज गांव का बात नहीं है। हाँ, हम लोग जितने भी हैं जी, वो जो गोबर खरीद रहे हैं लेकिन सही तरीका से बिल्कुल उसको नहीं बनाते। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट सही पत्ते नहीं बन रहा है। नहीं, अच्छा, जो नहीं किसान लोग अभी कितना खरीदानी आ रहे हैं वर्मी कंपोस्ट? अरे वो जो कोऑपरेटिव बैंक में जाते हैं कि इसको एक क्विंटल दो क्विंटल दे देते हैं, बाकी पड़ा है अभी जैसा की तैसा। अच्छा, जा करके गौठान लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अरे एक अब तोर घर में तो गोबर खातु है, और एक पाकिट आनबे वो लकते में देवे तो लग ही हो गोबर खातु है। हाँ। बता तो आपने कभी उसका उपयोग किया? क्या वो सही मात्रा में उसका कर रहा है? अरे फायदा पहुंचा रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है? देखो, मैं जो किया हूँ उसको बोलूंगा। हाँ। दूसरे की बात नहीं बोलता। मेरा बात साफ साफ है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो जाने। हाँ। मेरा भतीजा जो है बैंक गया, बैंक से खाते लिखाया। हाँ। एक पार्टी। क्या नाम है आपका भतीजा का? बेटा, मेरा भतीजा का नाम जगदीश है। कौन सा बैंक गया था? कोऑपरेटिव बैंक। कहाँ? गढ़पुर जी। वहाँ से लाया और फिर यहाँ से खातु दो पैकेट उठाया, लेके दिया। मेरा भतीजा, मेरा खेत एक ही है, हमने सामने है, उसको डाला, हम देखे हैं। हमारा जो गोबर खातु, हमने भी हमारा घर का जो गोबर खातू लेके डाले वो भी डाले, लेकिन हमारा खातू वो खातू नहीं सकता। अच्छा। वो तो सही तरीका से बना नहीं है। देखो, गोबर खातू जो होता है उसका जीवाणु जब तक नहीं रहेगा तब तक पूर्ण फायदा नहीं करेगा। माने जैसे वोला उगाड़ते कोचे की रहा है, और हम गड्ढा में राखथन खातू गड्ढा, देहात में जो बनाते खातू गड्ढा में भी वो गोबर खातु कोचाई की राम नहीं करते जी जी। तो हमारा नहीं सके। तो अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ गोठान में वैसे जीवाणु नहीं हो रहा है? अरे तो वहाँ तो केचुआ कुछ को डालते हैं ऐसे लोग। अरे कोई में को दिन डाल दिन हो नहीं तो जान के पैकेट पड़ी थे पहले देख ले भाई। अच्छा। हाँ, अब मैं कही हूँ तो अभी मैं बोला तो ये चैनल में दियो के लिए दुनिया भर बगरी था। गणेश जी ने कहा तिरीज कह के मोर पर खराब समझी, जा करके देखो। अच्छा, गोठान में? हाँ, गोठान में जाओ, चेक करके देखो भाई जी। कौन? मेरी कुदारी बहरा का बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कुदारी बहरा के चेक करके आओ, जाओ देखो। जहाँ जहाँ का उठा नहीं सब जगह जा करके देखो भाई। मैं कुदारी बहरा से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन प्रसाद दुबे है। क्या करते हैं? बस घर में रहता हूँ, टेलर वाला काम करता हूँ। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे प्रदेश में आप? अब देखो, अब सरकार तो अब देख रहे हैं कि अभी माहौल चल रहा है जो छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश सरकार है। अच्छा। और भूपेश सरकार भी जोर मार रहा है और अभी बीजेपी भी जोर मार रहा है जी। बीजेपी भी अपना पार्टी 20 इलेक्शन में जो हार गए हैं ना। हाँ। वो भी अभी मजबूत अभी गढ़ रहा है अपना सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में, तो भी अभी मजबूत मतलब। अच्छा, बीजेपी भी मतलब है? हाँ, बीजेपी भी अभी मतलब हाँ माहौल में अभी तागड़ा कर रहा है। वो भी कोई भी स्थिति में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार होना चाहिए, इसे करके वो लोग भी अभी मजबूत कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार मतलब बीजेपी वापस कर पाएगी फिर से वापसी? अब देखो, अब कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं, चुनावी घोषणा के ऊपर है, चुनावी घोषणा के ऊपर में है। हाँ, लेकिन धान एक बड़ा मुद्दा रहा। हाँ, सत्ता पलटी हुआ तो धान एक कर्जा माफी में भी बड़ा। हाँ। जोरदार पलटी हुआ है इस साल इस इलेक्शन में। तो क्या लगता है भाजपा का घोषणा पत्र ऐसे सुनने मिलता है? भाजपा का तो अभी घोषणा पत्र अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ। अभी देख रहे हैं भूपेश कितना कर रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी भी करेंगे। अच्छा। लेकिन इस भूपेश से ये लोग बढ़ के करेंगे। जैसे कई दीवारों पे देखा 3200 रुपये समर्थन मूल्य और 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी ऐसी। वो तो अभी पेपर में दे रहे हैं मतलब एकड़ प्रति 20 क्विंटल लेंगे बोल के। अब 3200 जो धान का क्विंटल अभी 2800 तक के सुनाई आया है, अभी 2800 क्विंटल होगा बोल करके अभी 30 भी बोले हैं। अच्छा, बसना विधानसभा चुनाव को लेकर क्या हाल चाल है? कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में? अभी तो देखो, बसना विधानसभा में हाँ। अभी पार्टी में बहुत खलबली मच रहा है। कौन से पार्टी में? बीजेपी पार्टी में देखो कई एक कैंडिडेट हो रहे हैं जी। नहीं, कांग्रेस में भी तो 13 कैंडिडेट हो चुके हैं, 12-13 कैंडिडेट।
ऐसा मैं नहीं सुना हूँ, होंगे। अब पार्टी कोई भी कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक आदमी को देंगे। कांग्रेस से भी एक आदमी मिलेगा तो बीजेपी से भी एक आदमी मिलेगा। अच्छा, बीजेपी से कौन 12 कैंडिडेट है, 13 कैंडिडेट, ऐसे कौन, आप कौन कौन नाम है आपको जानते हैं? देखो अभी क्या है, अभी जो देखो मतलब ना अघरिया समाज अलग से पार्टी खड़े हैं, हाँ, और कोलता समाज भी बोल रहे हैं कि हमको पार्टी से हमको टिकट मिलना चाहिए जी, और अदर भी हैं, हाँ, बाहरी अदर भी हैं। तो अब देखो इसमें अब कोलता समाज से भी हैं, मतलब चार पांच आदमी हैं जी। नाम बता सकते हैं? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, नाम मेरे को मालूम नहीं है, हाँ। लेकिन ये लोग अपना अपना समाज से दावे कर रहे हैं जी, जी। पार्टी को कि हमको टिकट मिलना चाहिए बोल के। अब देखो किसको दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, अब टिकट मिलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कांग्रेस से राजा जी जनसंपर्क में है क्या इधर, मतलब चुनाव जब चुनाव जीते उसके बाद कितना बार आना जाना? अभी तो राजा अभी तक के नहीं आया है, जीरो है अभी। अच्छा, समझ जाओ राजा अभी तक के नहीं आया है। तो चुनाव जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया? वो एक समय आया था जी, वो जिस समय वन पट्टा अधिकार जब मिला ना गरीबों को, उस समय वन पट्टा मतलब देने के लिए आया था। उसके बाद में तो हाँ, और राजा जीतने के बाद में हमारे गांव का हानि लाभी सुनने के लिए तो अभी तक के नहीं आया है। हाँ, अच्छा, तो आप बीजेपी से कोई ऐसे प्रत्याशी का नाम बता सकते हैं क्या जो जीत दिलवा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को अब देखो, भारतीय जनता पार्टी में हाँ जीत दिला सकता है कैंडिडेट ऐसे जो जनसेवा 15 साल 20 साल तक किए हैं, वो तो जीत जिला जीत सकता है वो। जैसे कोई नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ, कौन कौन नेता लोग हैं जनसेवा कर रहे हैं 15 साल से 20 साल से जो बीजेपी में है? देखो अभी जनसेवा में सबसे ज़्यादा तो हमारे नज़र में दिखते में पुरंदर मिश्रा बहुत कुछ किया है केदो जी, मतलब ये एक तरफा बात नहीं है। और संपत जो है तो अभी तो ये भी आया है अभी बीजेपी पार्टी में, तो वो इतना मतलब पब्लिक का जनसेवा भी नहीं करे किया है वो। हाँ, पुरंदर मिश्रा जी क्या क्या जनसेवा किया? पुरंदर मिश्रा बहुत लोगों का बनाया है जी। हाँ, काफी समय से जनसंपर्क में है? हाँ, वो काफी समय से है। अच्छा, क्या कुछ किया है उन्होंने क्षेत्र के लिए? वो तो समझ जाओ कई एक ठो हाई स्कूल भी कई नौ जगह बनवाया है, मिडिल स्कूल बनवाया है। अभी जो तुम्हारे मालीडीह में जो बच्चों आने जाने में असमर्थ थे वहाँ भी मिडिल स्कूल हो गया। जेवरा में अभी हाई स्कूल बच्चे जाने आने में उनको भी परेशानी था, वहाँ भी हाई स्कूल करवा दिया। मतलब और जगह में बनवाया है बोलो तो, रोड रास्ता जैसे पुलिया उलिया भी ये कहीं टूट फूट गया है, नहीं आने जाने नहीं बन रहा है, वहाँ भी पास करवा करके वो अपना तरफ से सहयोग करवाया है। ऐसे इसके उनको 15 साल से टिकट का इंतजार करना पड़ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? अब देखो बेचारा उसके पीछे में लगा है तो टिकट तो उनको भी मौका देना चाहिए भाई, सभी वर्गों को देना चाहिए। हैं बेचारा, अब देखो कोई भी आदमी एक ठो पार्टी में रह करके लालसा लेकर के रहता है और उनको जन सेवा में लगा रहता है, पब्लिक को भी देखता है और वो पार्टी को भी देखता है। वो पब्लिक को अपना सपोर्ट में रख करके पार्टी कभी भी मेरे को टिकट दे देगा तो पब्लिक मेरे को जिता देंगे, ऐसे सपोर्ट के आदमी को बहुत कुछ रखा है वो भी। वो तो कांग्रेस वाले भी उनको देंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और पब्लिक को भी पूछ लेना, कांग्रेस वाले भी उनको देंगे, कांग्रेस के भी बहुत काम किया है वो उतना मतलब ये बीजेपी पार्टी का है, ये कांग्रेस पार्टी का है, इसका काम नहीं करूँगा बोल करके उसका ये नहीं रखा हो। कैरीलाल हाँ जी, उधारी वारस इतना कुछ विकास देखने को मिल रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में? विकास तो अभी कम है। अच्छा, कम विकास हुआ? हाँ। किस सरकार बंदे दिखाई दे रहे हैं अब तो? अब देखो कांग्रेस तो
ये क्या के बोलते हैं जो छूट किया है ऋण माफी का, हाँ। उससे सस्ता उनकी भारी लग रही है। अच्छा, समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य का। लेकिन आवास है, गरीब लोग बहुत नाराज हैं, ऐसी मिलता है, हम सुनने को मिल रहा है। तो एक चुनावी में क्या कांग्रेस के लिए घाटा साबित होगी आवास? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अभी तो मतलब आवास में कमी आ गई है जी, थोड़ा पब्लिक नाराज भी है जी। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक जी का क्या हाल चाल है? गांव में आते हैं कभी देखने के लिए कितना कुछ विकास हुआ? आ तो नहीं रहे हैं, बन गए हैं लेकिन। अच्छा, अच्छा बसना विधानसभा की बात करें हम लोग, कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में, कांग्रेस से, बीजेपी से? अभी तो बीजेपी के बहुत ही नेता मतलब संपर्क पर हैं जी जी, जैसे पुरेंद्र मिश्रा जी हैं जी, संपत अग्रवाल जी भी हैं। अच्छा, हाँ। ये भरत सिंह भी हैं जी जी, और क्या ज्योति पटेल बोलते हैं। अच्छा, हाँ। उनका नाम तो आ रहा है जी जी। क्या लगता है किनको टिकट मिल रहा है बीजेपी से, कौन नेता लोग? अब लगता है चार पांच तो लड़ रहे हैं जी, अब उनके ऊपर है भाई इनको टिकट दिया जाए। कांग्रेस से क्या लगता है, राजा साहब को ही मिलेगा कि और बहुत सारे दावेदार हैं, उषा पटेल लोग हैं? अब नाम तो नहीं सुने हैं भाई जी, अब किनका नाम आ रहा है, अब एक ही जने को जा रहे हैं। अच्छा, राजा साहब, राजा साहब को। और कितना कुछ विकास हुआ है गाँव में, और कुछ कमी है जो शिकायत है गाँव का? शिकायत तो बहुत है, जैसे रोड है जी, कुछ विकास नहीं हुआ है। नल जल का स्थिति क्या है? नल जल भी नहीं बना है। पानी के लिए बहुत समस्या सुनने को मिलती रहती है आपके गांव में। पानी की तो बहुत समस्या है। तो सरपंच सचिव कुछ नहीं करते हैं? उनको तो बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या वहाँ टेंडर कहाँ से पास होगा तो फिर बनेगा बोलते हैं। अच्छा, जो घर घर नल जल योजना वाला? हाँ, वही वाला। पंचायत अपने तरफ से कुछ नहीं करती है पानी की व्यवस्था? अब नहीं तो कर रहे हैं, सरपंच को बोलते भी हैं। अच्छा, स्कूलों में क्या स्थिति है, बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। टीचर लोग आते हैं सही समय? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप जो बीजेपी से चार पांच उम्मीदवारों का नाम बता रहे थे, आपको क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए बीजेपी को? और हमारे ख्याल से तो हमारे जो एरिया के जो आदमी हैं उनको टिकट मिलना चाहिए जी। नाम बता सकते हैं आपने? भारत सिंह को। अच्छा, आप क्षेत्र के? हाँ, हमारे पंचायत के जी जी, ताकि हमारे एरिया में। सक्रिय राजनीति में क्या क्या जनसेवा किया है? विकास नहीं किया, नए नए आए हैं अभी। अच्छा, कितने साल हो गए बीजेपी में ज्वाइनिंग के? बीजेपी में आए हुए कम से कम 10-12 साल हो गया। अच्छा। हमारे